नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल लर्नर्स अड्डा पर। आज हम आप लोगों के लिए, जैसे कि पिछली क्लास में बताए थे कि वेन डायग्राम का सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे, जिसमें काफी अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे, कुछ उनको हम करवाएंगे। तो वेन डायग्राम के ऊपर जो आज का सेशन है, ये आखिरी सेशन है, और आई होप कि आज आप लोगों को वेन डायग्राम पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आ जाना चाहिए। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है इसके बाद भी, तो आप लोग हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के टॉपिक पर, वेन डायग्राम के ऊपर। और वेन डायग्राम आज हम बताएंगे तीन सर्कल्स के ऊपर। ठीक है, जो हम तीन सर्कल्स के बेस में बताएंगे, वो वही वेन डायग्राम बताने जा रहा है। उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या कंडीशन होते हैं, वो सारी चीजें आज हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा क्या बनता है, ये बनता है यूनिवर्सल शेप। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इसको ऐसे इसको शो करते हैं, हमारे क्या होता है यूनिवर्सल सेट, जैसे आप सभी जानते होंगे इसको। ठीक है, सेकंड चीज, इसके अंदर जो सर्कल हमारे बने, ठीक है, तीन सर्कल के ऊपर आज काम करेंगे, तीन चीज के ऊपर। तीन सर्कल का मतलब हो गया कोई भी तीन इवेंट आपको दी गई होंगी। ठीक है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। ये हमारा हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। ठीक है, हमारे लिए हमारे क्या है, ए है, बी है, सी है। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन तो आप लोग ये जान लीजिए कि इन तीनों का सम कभी भी यूनिवर्सल सेट से ज्यादा नहीं हो सकता। इन तीनों का सम कभी भी यूनिवर्सल सेट से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यूनिवर्सल सेट से ज्यादा हो गया तो ये इसके अंदर लाई ही नहीं करेंगे। ठीक है, इनकी बाउंड्री ही अलग हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहला कंडीशन यही हो गया कि इन तीनों सेटों का अगर सम करें तो यूनिवर्सल सेट से, मतलब यूनिवर्सल सेट से ज्यादा नहीं हो सकता। और अगला जो कंडीशन की बात करें, हम कुछ फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे। देखिए ये जो हमारा पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को जिसमें खाली ए आ रहा है, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ओनली ए। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओनली ए। ठीक, और इस वाले पार्ट को जो ये है बी में, इसे ओनली बी। ठीक है, और इस वाले पार्ट को जो सी में है, इसे क्या बोलते हैं, ओनली सी। ठीक है, तो ये तीन पार्ट हो गया हमारा, ओनली ए, ओनली बी और ओनली सी। ठीक, अब देखिए इन दोनों के बीच में जो कॉमन पार्ट आता है, ये ए का गोला है और ये सी का गोला है, जो ए और सी के गोले का ये बीच वाला जो कॉमन पार्ट आ रहा है, ये हमारा क्या होता है, ए यूनियन सी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए सॉरी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी होता है। इसी तरीके से जो बी और सी के बीच वाला ये वाला पार्ट आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूरा वाला पार्ट, इस पूरे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। क्या बोलते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट जो दोनों में हो, बी में भी और सी में भी। ठीक है, ए और बी का देखें हम, तो ए और बी में जो ये बीच वाले पार्ट हमारे आ रहे हैं, ये पूरा, ये क्या हो गया हमारा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे तीन हो गए, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और इन तीनों में आपको दिख रहा होगा कि बीच में एक कॉमन पार्ट आ रहा है ये। ठीक है, ये तीनों में आ रहा है, ये ए वाले सर्कल में भी आ रहा है, ये बी वाले सर्कल में भी आ रहा है, और ये सी वाले सर्कल में भी हमारा ये तीनों पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये जो वाला पार्ट आ रहा है, जो तीनों में आ रहा है, इसको क्या लिखा जाता है, जो तीनों में आ रहा है तो तीनों का इंटरसेक्शन, मीन तीनों में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में कॉमन है तो तीनों का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करके हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मूले होते हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर ले रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूले बहुत जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप एग्जाम में जो भी लिखेंगे फॉर्मूले से लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूले करके आपको स्टेप वाइज दिखाना पड़ेगा। हम आपको दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देंगे, एक बार फॉर्मूले से भी करके दिखाएंगे और एक बार बिना फॉर्मूले से भी करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करते हैं, अगर हमें निकालना हो जैसे भी इनका यूनियन। ठीक है, यूनियन का मतलब हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी, का मतलब हो गया कि तीनों का सम निकालना हो। ठीक है, हमें सम निकालना हो जाए, यूनियन मैंने आपको बताया था पहले पिछली क्लास में, क्या होता है हमारा कि एक हिसाब पूरे का सम। ठीक है, पूरे का सम जो है हमारा यूनियन कहलाता है। अगर हमें ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना हो गया तो इसकी हमारी फॉर्मूला क्या हो जाएगी। ठीक है, इसमें हम लोग एन से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये होता है हमारा, तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ए में जितने एलिमेंट है इनको प्लस कर लीजिए, प्लस एन ऑफ बी, मतलब बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको प्लस कर दीजिए, प्लस एन ऑफ सी, मीन्स सी के जितने एलिमेंट है उनको प्लस कर लीजिए,
आप देखेंगे ए को जब आपने एक बार प्लस किया, बी को प्लस किया, सी को प्लस किया, तो इसमें दो दो बार आप एक चीज को कॉमन ले रहे हैं। किसको? जब आप ए को प्लस कर रहे हैं और सी को प्लस कर रहे हैं, तो उसमें ए और सी आया, ठीक है, ए और सी आया। और एक बार जब ए को प्लस किया तो भी ए आया, और एक बार जब सी को प्लस किया तो भी ए वाला पार्ट आया, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हमें एक बार माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ही ए और बी में भी होता है, बी और सी में भी होता है, ठीक है। तो ये जो बीच वाला कॉमन पार्ट आ रहा है ना, ये बी और सी का, ये जो कॉमन पार्ट है, इसको हमें एक एक बार माइनस करना पड़ता है। तो हम लोग माइनस करेंगे, तो माइनस एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये हम तीनों माइनस कर दिए। अब देख लीजिए, मैंने इसको एक बार माइनस किया, इसको एक बार माइनस किया, इसको एक बार माइनस किया, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे होंगे ये जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, आप देख रहे होंगे ये जो बीच वाला पार्ट है आपका, ये तीन बार माइनस हुआ, तीन बार माइनस ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका तीन बार माइनस हुआ। कैसे? एक बार जब इसको माइनस किए, ठीक है, तब ये माइनस हुआ, एक बार जब इसको माइनस किए तब ये माइनस हुआ, एक बार जब इसको माइनस किए तब ये माइनस हुआ, ठीक है। तो तीन बार माइनस हुआ, हमें कितनी बार माइनस करना था? एक बार जोड़ना था इसको, तो एक बार जोड़ेंगे। और मतलब इसमें क्या हुआ, ये कितनी बार जुड़ गया था जब हम लोग शुरू में जोड़े थे? तो दो बार, ठीक है। तो इसको हम लोग दो बार माइनस करना है, एक बार जोड़ना है। तो ये हमारा एक बार जोड़ने वाला जो बच रहा है वो हम लोग क्या लिख लेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि मतलब ये तीन बार माइनस हुआ है, ठीक है। तो इसको हमें एक ही बार माइनस करना, मतलब इसको दो बार माइनस करना, बस एक बार जोड़ना है, इसलिए इसको क्या करें, एक बार हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हमारा ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, और ये चीज समझ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा सारे एलिमेंट्स हैं क्या क्या, ठीक। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि एन ऑफ ए क्या है, ये पूरा जो गोला होगा एन ऑफ ए, ये पूरा जो गोला होगा ये एन ऑफ बी, ये जो पूरा होगा एन ऑफ सी, इस तरीके से हमारे करके सारे, ठीक है। इसमें आपको कभी कभी आ जाएगा कि ओनली ए या ओनली बी या ओनली सी निकालना होगा, ठीक है, कोई भी एक निकालना हो उसको आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें ओनली ए निकालना है, हम ओनली ए के लिए बता दे रहे हैं, ये तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ओनली ए में अगर हम देखते हैं तो ओनली ए अगर मैं निकालूंगा, मतलब ये वाला पार्ट खाली, ये वाला पार्ट, ठीक है, मतलब और जितने भी इसमें पार्ट हैं, ये जो पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट दोनों माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें एक बार ज्यादा माइनस हो रहा है, उसमें एक बार प्लस कर देना पड़ेगा। मीन्स ओनली ए की अगर कंडीशन की हम बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में से माइनस करेंगे हम ए इंटरसेक्शन सी वाला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो हम लोगों ने एक एक बार माइनस किया तो दो बार माइनस हो गया बीच वाला, इसीलिए इसको एक बार जोड़ देना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हमें जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी होगी ओनली ए की कंडीशन। ये दो फॉर्मूले आप बस याद रखे रहिए, हम तीसरा नहीं बताएंगे इसमें कोई भी फॉर्मूला, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो ये दो फॉर्मूले आपके जहन में बैठे रहने चाहिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा वेन डायग्राम को समझना और वेन डायग्राम के ये फॉर्मूले लगाना। अभी वेन डायग्राम को आपको हम प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाएंगे तो आपको ज्यादा इजी लगेगा, ठीक है, इससे काफी ज्यादा इजी लगेगा प्रैक्टिकली सॉल्व करना। हम सारी कंडीशन आपको दिखाएंगे एक बार प्रैक्टिकली सॉल्व करके, और एक बार बोर्ड के पेपर में कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी करके हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज हम लोग आज के पहले क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.6 पर। एक्सरसाइज 1.5 तक के अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन थे कुछ वो हम करा दिए थे अपने प्रीवियस क्लासेस में, और जो अभी है आज हम 1.6 के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। 1.6 के ऊपर जो अच्छे क्वेश्चन उन्हीं को हम बात करेंगे, उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, 1.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, ठीक है, टोटल ग्रुप दे दिया है हमें, टोटल दे दिया कितने पीपल हैं, 400 पीपल हैं, ठीक है। कह रहा है 250 कैन स्पीक हिंदी, एन ऑफ हिंदी एलिमेंट्स हमें दे दिया कितने, 250 स्पीक कर सकते हैं, बोलते हैं हिंदी, एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, मींस एन ऑफ ई दे दिया हमें कि 200 ये इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब हमें कॉमन पूछा है, एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई पूछ रहा है, क्योंकि उसने कॉमन वाला पार्ट पूछ रहा है तो यही पूछ रहा है। अब देख लीजिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टोटल है 400, ठीक है। अगर हम एक सेट बनाते हैं 400 का, ये हमारा हो गया यूनियन सेट, ठीक।
और इसमें अंदर क्या हमारे दो मतलब एक हिंदी बोलने वाले लोग हैं एक इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, ये हिंदी वाले हो गए ये इंग्लिश वाले हो गए, टोटल है 400, तो 400 से ज्यादा तो होना नहीं चाहिए इनका सम, ठीक है। तो हिंदी का सम हिंदी कितना है हमारे 250, इंग्लिश कितने 200, तो ज्यादा कितने हो रहे हैं 50 ज्यादा हो रहे हैं ना, तो ये 50 ज्यादा नहीं हो रही, 50 हो गए कौन कॉमन वाले हो गए, तो ये हमारे हो जाएंगे 200 और ये हो जाएगा 150। अब इनका सम आप कर लीजिए आपको पता चल जाएगा 400 है, ठीक है। ये 400 लोग हो गए, ये 200 लोग हो गए जो केवल हिंदी बोलते हैं ओनली हिंदी, ये 150 लोग हो गए जो ओनली इंग्लिश बोलते हैं, 50 लोग हो गए जो बोथ बोलते हैं हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। ये था हमारा जनरल मेथड अप्रोच करने का, लेकिन बोर्ड में अगर आप करेंगे इसी क्वेश्चन को तो किस तरीके से करेंगे आपको दिखाना पड़ेगा वहां पे कि एन ऑफ ठीक है एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है यूनियन का, हमें यूनियन का मतलब होता है टोटल, ठीक है। टोटल हमें दिया कितना उसने 400, तो हम लगाएंगे 400, एन ऑफ एच हमारा कितना है 250 प्लस एन ऑफ ई हमारा कितना है 200 माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, हमें यही निकालना है, ठीक है। तो ये 200 एंड 250 मतलब कितना हो जाएगा 450, तो माइनस एन ऑफ एच ई को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू 450 माइनस 400, तो यहां से हमारा फॉर्मूले से निकल आएगा एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस हिसाब से हम लोग बोर्ड में करेंगे कि हमारे 400 लोग टोटल थे, 250 लोग इंग्लिश हिंदी बोलते थे, 200 लोग इंग्लिश बोलते थे, तो इनका इंटरसेक्शन निकाला था, तो 450 में 400 माइनस करते कितना आ गया 50, ये हो गया दो दो लोग जो दोनों बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, अब हमें दे दिया टोटल फिर दे दिया उसने, ठीक है। टोटल मींस यूनियन हम लोग बोलते हैं जिसको, ठीक है। 70 पीपल का ग्रुप है जिसमें 37 लाइक कॉफी, मतलब एन ऑफ कॉफी, ठीक है। कॉफी वाले कितने हमारे 37 है, ठीक। कह रहा 52 लाइक टी, एन ऑफ टी वाले हमारे कितने हैं 52 है, चाय पीने वाले लोग 52 है, ठीक है 52 है। कह रहा है कि एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक्स, ठीक है। और जितने पर्सन हैं ये सभी मतलब एक या दो मतलब एक करते हैं, ठीक है, लाइक करते हैं। ये ना हो बात की बात में पता चला कि कुछ लोग नहीं करते, तो उस कंडीशन में भी वो भी हमारी कंडीशन आती है, ठीक है। वो थोड़ा सा और अच्छा लेवल होता है, उसके हम क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे अगर आते हैं तो, ठीक है। उसमें क्या होता है, इसमें कह रहा है कि सब लोग मतलब ये जो 17 लोग हैं इनमें से किसी कोई ना कोई किसी न किसी बेवरेज को पसंद करता है। ये नहीं भाई हम कॉफी नहीं पसंद करते, हम टी नहीं पसंद करते, हम तो कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं, ठीक है। ऐसी कोई चॉइस नहीं इसमें कि हमें कोल्ड ड्रिंक पसंद करना है, टी और कॉफी में से पसंद करना है उन 70 लोगों को, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, मीन्स हमें पूछ लिया कि कितने लोग कॉफी एंड टी दोनों पसंद करते हैं, मीन्स फिर से वही चीज सेम चीज पूछ लिया है। और आप लोग आई होप आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूले से करना फॉर्मूले कर लीजिएगा, मैं जनरल अप्रोच से आपको बताते रहूँ उस चीज को कि क्या है। टोटल 70 है, ये है 37, ये है 52, ठीक है। कितना है 37 52, तो जब 37 52 कितना हो जाएगा हमारा 37 52 कितना हो जाएगा 7 2 9 5 3 8 89, ठीक है। 89 लोग टोटल हो रहे हैं, लेकिन 89 हो नहीं सकते, तो माइनस 17 कर देंगे, कितने बचे 19 लोग जो एक्स्ट्रा बचे हैं, यही 19 लोग हमारे क्या काम करेंगे, दोनों लाइक करेंगे कॉफी एंड टी, ठीक है। आप लोग फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा, क्या फॉर्मूला लगाएंगे एन ऑफ सी, ठीक है, कॉफी ये टोटल को आप लिख सकते हैं सी यूनियन टी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लगा लीजिएगा, इन पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ही इजी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। आज नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, ठीक है, टोटल दे दिया है उसने इस बार भी, कितने हैं टोटल 65 लोग हैं, ठीक है। उसमें से कह रहा है 40 लाइक क्रिकेट, मींस एन ऑफ सी, हम क्रिकेट को सी से मानते हैं, तो इसमें 40 आ गए। फिर कह रहा है
कि टेन लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, ठीक है। तो एन ऑफ सी बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पार्ट, ठीक है। तो ये क्रिकेट और टेनिस में दोनों में पसंद करते हैं 10 लोग, ठीक। अब वो कह रहा है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, पहला क्वेश्चन से पूछा है कि कितने लोग ओनली टेनिस पसंद करते हैं क्रिकेट नहीं करते हैं। दूसरा पूछ रहा हाउ मेनी लाइक टेनिस, ठीक है, कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं। तो मतलब हमें पता करना है एन ऑफ टेनिस का टी ई से लिख ले रहे हैं क्योंकि टोटल का टी से लिखे हैं, ठीक है। एन ऑफ टी ई हमें पसंद करना है, पता करना है, और हाउ मेनी लाइक टेनिस हो गया, और हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, ठीक है। तो एन ऑफ ओनली टेनिस पता करना है, ठीक। ये दो चीजें पता करनी है। देखिए जनरल फॉर्म से कैसे पता करते हैं, हमारा ये हो गया क्या यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसके अंदर हमारे ये हो गए क्रिकेट खेलने वाले, ये हो गए टेनिस खेलने वाले, क्रिकेट और टेनिस। इसमें कह रहा है क्रिकेट खेलने वाले टोटल कितने लोग हैं 40, ठीक है। 40 में से कह रहा है 10 लोग दोनों कॉमन है, तो जब 10 यहाँ पे टोटल कॉमन है तो ये क्या वाला कितना बचा, ये वाला पूरा 30 बचा, ठीक है। जो ओनली क्रिकेट पसंद करते हैं कितने हो गए 30, ये कितने होगा हमारे 10, टोटल कितना है 65, तो ये कितना हो गया हमारा 25, ठीक है। तो जो 25 हो जाएगी तब इसको ऐड कर लीजिए, आपका 65 आ रहा है नहीं आ रहा, तो 65 आ रहा है इसका मतलब आपका आंसर क्या सही है। इस हिसाब से हमारा जनरल अप्रोच है, लेकिन आप लोग जब इसे करेंगे तो फॉर्मूले से करेंगे। और आपको पहला क्वेश्चन इसने पूछा था, पहला ये हो गया, ये वाला हमारा ओनली टेनिस कितने पसंद कर रहे हैं 25, और टोटल टेनिस कितना पसंद कर रहे हैं, तो 25 प्लस 10, ठीक है, ये 35। क्यों? क्योंकि ये 10 तो हो गए हैं ना जो टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको भी ऐड करना पड़ेगा हमें, तो 35 हो गए जो टोटल टेनिस पसंद करते हैं, और ओनली टेनिस पसंद करने वाले हमारे कितने हो गए 25 हो गए, ठीक है। फॉर्मूले से बता दें, फॉर्मूला आप ये लगा दीजिएगा एन ऑफ टोटल, ठीक है, टोटल का मतलब हो गया सी यूनियन टी is equal to n of c plus n of t minus n of c intersection t, ठीक है। यहां से एक बार आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा क्या n of t पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है कितना है 65 है, is equal to n of c पता है कितना है 40 है, plus n of t minus का ये हमें पता है कितना 10 है, 40 minus 10 हो गया 30, 30 minus करेंगे हो गया 35, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा 35, ये आ गया। उसके बाद हमें पता करना था ओनली एन ऑफ टी, तो ओनली वाले में क्या करते हैं, हम लोग बताए थे ना आपको, तीन वाले में बताए थे, इसमें भी देख लीजिए ओनली जो हमें निकालना होता है तो एन ऑफ टी में हम लोग क्या करते हैं, सॉरी इसको लिख लेते हैं एन ऑफ ओनली टी, ठीक है। ओनली वाला अगर हमें लगाना है तो क्या लिखते हैं हम लोग, जो पूरा है, ठीक है, मीन्स एन ऑफ जो टी है माइनस एन ऑफ दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो कॉमन पार्ट हमारा मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर देते हैं, तो हमारा ओनली ये कितना 35 है, ठीक है, और माइनस का हम 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा 25, ठीक है। समझ में आया, आई होप आप लोग समझ में आया हो, ठीक है। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली अप्रोच भी हम कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, 1.6 का ही क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें दिया है इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, एक कमिटी है उसमें देखा गया कि फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कितनी है, 50 है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 20 स्पीक स्पेनिश, मींस स्पेनिश बोलने वालों की संख्या कितनी है, 20 है। तो जाहिर सी बात है इंडिया में नहीं हो रहा होगा, ठीक है, बाहर के विदेश में हो रहा होगा। और उसके बाद पूछा है 10 स्पीक बोथ फ्रेंच एंड स्पेनिश, ठीक है, दोनों का दे दिया है, फ्रेंच एंड स्पेनिश का, बोथ का दिया है कॉमन वाला पार्ट, ठीक है। तो फ्रेंच एंड स्पेनिश कितने हो गए हमारे 10 हो गए। उसके बाद फिर हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, ठीक है। एट लीस्ट का मतलब होता है हमें निकालना होगा, कभी भी जब एट लीस्ट दे दे तो हमें यूनियन निकालना होता है, ठीक है। इसका हम फिगर बना के करें, चाहे जैसे करें इसको आप मतलब कर सकते हैं इजिली। देखिए फिगर इसका बना कर सकते हैं, ये यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा, ठीक है। ये एक वेन डायग्राम, ये दूसरा वेन डायग्राम इसका, इसमें क्या हुआ 50 है, ये हमारा फ्रेंच बता लिया फ्रेंच है टोटल, और ये हमारे कौन है स्पेनिश बोलने वाले, ठीक है। तो स्पेनिश वाले कह रहे हैं मतलब ये मतलब 50 है फ्रेंच वाले, 20 है स्पेनिश वाले, 10 है कॉमन वाले, तो कॉमन वाला हम सबसे पहले लिखते हैं 10 लिख लिया। तो जब 10 फ्रेंच वाले माइनस करेंगे तो ओनली फ्रेंच बचेंगे 40, और स्पेनिश वालों में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो बचेंगे 10, ठीक है। दोनों को ऐड कर लेंगे हमारा टोटल आ जाएगा यूनियन कितना 60। इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, देखिए कैसे n ऑफ f यूनियन s निकालना है, तो n ऑफ f प्लस करेंगे n ऑफ s करेंगे, और माइनस क्या करते हैं हम लोग
एन ऑफ इंटरसेक्शन जो इनका कॉमन पार्ट आता है दोनों का, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा एन ऑफ एफ यूनियन एस इज इक्वल टू ये कितना हमारा 50 प्लस ये कितना हमारा 20 माइनस ये कितना है 10, ठीक है। हमारे क्या आ जाएगा एन ऑफ एफ यूनियन एस इज इक्वल टू 70 माइनस 10 कितना आ गया 60, ठीक है। बस यही था, चलते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी का ही है, लास्ट एक्सरसाइज होता है एनसीईआरटी के सभी लेसनों में, ठीक है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, काफी मजे वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपको मजे के साथ इन सारे क्वेश्चन को करना है, जो अच्छे क्वेश्चन मैं उनको लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसको करिए और पूरे मजे के साथ कीजिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को काफी मजा आएगा, मजे के साथ पढ़ेंगे तभी अच्छा लगेगा, नहीं तो बोर होते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। लेकिन इसका मैंने जो पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ वो है तुम्हारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वो लाया जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं, पहला एग्जाम्पल का क्वेश्चन क्या है इसका, कह रहा है अ कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स, ठीक है, इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल, 20 इन क्रिकेट। 38 मेडल इन फुटबॉल, ठीक है। तो अगर हम फुटबॉल रखते हैं, एम ऑफ एफ देखते हैं, तो कितना मेडल पाया है कॉलेज में, 38 मेडल पाए हैं, 15 पाए हैं बास्केटबॉल में, ठीक है, बास्केटबॉल में कितना पाए हैं 15, और 20 पाए हैं क्रिकेट में, मीन्स एम ऑफ सी कितना है 20, ठीक है। इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मेन, Only 3 men got medals in all the 3 sports, ठीक है। कह रहा है कि total जो है 58 men ही पाए हैं, means union की बात कर रहा है इनके, total का मतलब क्या होता है बच्चों, union, तो इनके union की बात कर रहा है, तो union हमारा कितना है 58 का union है, और इसमें से intersection की भी बात किया उसने, और intersection दे दिया उसने कितना है 3, केवल 3 ही लोग ऐसे हैं जो कि तीनों में मेडल पाए हैं, मतलब फुटबॉल भी उनको अच्छा खेलना आता है, बास्केटबॉल भी खेलना आता है, क्रिकेट भी अच्छा खेलना आता है, ठीक है। कह रहा है कि अब क्वेश्चन से पूछा है हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स, ठीक है, एग्जैक्टली 2 का पूछा है उसने। अब चलिए हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये हमारा है यूनिवर्सल सेट, हमारा क्या है एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर हमारे 3 सर्कल्स बन गए, ठीक है। हमारे क्या हो गया फुटबॉल का, एक क्या हो गया बास्केटबॉल का, एक किसका हो गया क्रिकेट का, ठीक है। ओनली 2 का मतलब होता है एग्जैक्टली ओनली 2, ठीक है। तो ये एफ और बी वाले, ये वाले जो पार्ट है ये एग्जैक्टली है, ये भी एग्जैक्टली है, और ये भी एग्जैक्टली, ठीक है, एफ सी का, एफ बी का और बी सी का, ठीक है। तो ओनली 2 की हमें यही पता करना है कि ये इनका तीनों का सम कितना होगा, ठीक है, हमें ये पता करना है। और इसने दे दिया है यूनियन, दे दिया उसने क्या है 3, ठीक है। हम लोग सीधा फार्मूला लगाते हैं, क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसानी से। देखिए क्वेश्चन हमारा फार्मूला क्या होता है इस केस में, फार्मूला मैंने बताया था आपको पहले ही स्टार्टिंग में क्या होता था, एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ, दोनों का जो कॉमन आ रहा था इंटरसेक्शन पार्ट, एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और प्लस करते थे क्या, जो तीनों का कॉमन पार्ट था, तीन बार माइनस हुआ था इसलिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये हम प्लस करते थे, ठीक। चलिए अब इस पे केवल वैल्यू पुट अप करनी है, ये हमें पता है ये हमारा कितना है 58, कितना हमारा ये 58 है, इज इक्वल टू एन ऑफ एफ मींस फुटबॉल में कितना हमारा 38 है, प्लस एन ऑफ बी कितना है 15 है, प्लस एन ऑफ सी कितना है 20 है, माइनस एन ऑफ, ये हमें नहीं पता है कि एफ यानी बी कितने हैं, ये कितने, ये कितने, ठीक है। तो इन तीनों को हम लोग अगर एक्स वाई जेड मान ले रहे हैं, ठीक है, इनको मान लेते, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई, इसको मान लेते हैं जेड, तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमें दिया कितना है 3 है, ठीक है। तो यहां से हम लोग पता कर लेते हैं हमारे कितना हो गया 58 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लीजिए आप तो कितना हो जाएगा 35 70 73 और 3 76, ठीक है। तो हमारा हो गया 76 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है,
एक्स माइनस वाई माइनस जेड को हम इस तरफ लेके आते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 76 माइनस का 58, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 18, क्या हो गया 18 हो गया, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा था, इसको पूरा वाला पार्ट हमारा x, ये पूरा वाला हमारा y, ये पूरा वाला हमारा z, ठीक है। इन तीनों का सम आया है 18। उसने क्या पूछा है, उसने केवल यह पूछा है कि हमें पता करना ओनली एग्जैक्टली टू, ठीक। एग्जैक्टली टू का मतलब ये केवल जितना पार्ट मैंने सेटेड किया है, केवल ये रीजन उसने पूछा है, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं जब तीनों का सम आ रहा है कितना 18, ठीक है। तो 3, 3, 6, 3, 9, ठीक है। ये 3 कितनी टाइम्स इसमें ऐड हुआ, 3 बार ना, क्योंकि जब इसको हम लेंगे तो भी एक बार 3 ऐड हुआ, इसको लेंगे तो भी एक बार 3 ऐड हुआ, और इसको लेंगे तो भी एक बार 3 ऐड हुआ। तो ऐसे भी माइनस कर सकते हैं कि 9 ऐड हुआ हमारा एक्स्ट्रा, तो 18 में से अगर हम 9 घटा देते हैं तो एग्जैक्टली 2 वाले आ जाएंगे, एग्जैक्टली 2, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा 18 - 9 = 9, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो आप लोग यहां भी रख सकते हैं, इसको मान लेते हैं f प्लस सी, इसको मान लेते हैं f प्लस बी, इसको मान लेते हैं b प्लस सी, तो दो दो बार प्लस करते आपका आता है f प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स आता इज इक्वल टू 18 आता, तो f प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 आ जाता, ठीक है। एक करने का वो भी तरीका था, एक यहाँ समझने का तरीका ये भी था, मजे के साथ पढ़िए मजा आएगा आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लेकर आए आप लोगों के लिए। इसमें क्या कहा है कि इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, टोटल 60 पीपल का सर्वे हुआ है, ठीक है, टोटल 60 पीपल का सर्वे हुआ है। इसमें से यह पता किया गया कि 25 पीपल ऐसे हैं जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या एच पढ़ते हैं, ठीक है। एच पढ़ते हैं कितना 25, और कह दिया टी पढ़ते हैं कितना 26, और आई भी पढ़ते हैं कितना 26, ठीक है। तीन न्यूज़पेपर दे दिया उसने, एच टी आई, 25 पढ़ते हैं एच, टी पढ़ते हैं 26, और आई पढ़ते हैं 26, ठीक है। दोनों का भी दे दिया इंटरसेक्शन दे दिया उसने, एच और टी का इंटरसेक्शन, मतलब जो दोनों पे अगर पढ़ते हैं उनकी संख्या है एच और टी का पढ़ने वाले 11, ठीक है, और एच और आई पढ़ने वाले कितने हैं, एच और आई पढ़ने वालों की संख्या है 9, ठीक है। ऐसे ही एच और एच और आई हो गया, और टी होना चाहिए, ठीक है। अब टी और आई पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है, टी और आई पढ़ने वाले लोगों की संख्या है 8, ठीक है, कितने हैं 8, और तीनों पढ़ने वाले, तीनों पेपर पढ़ने वाले मीन्स तीनों का इंटरसेक्शन कितना है, ये 3 है, ठीक है। अब पूछ रहा है आपसे कि पहला क्वेश्चन से पूछा है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, वो कितने लोग हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। मैंने कहा था आपसे कि 60 को ही एग्जैक्टली आंसर मत मान लीजिएगा, ठीक है। इसके हिसाब से भी देखिए हम आंसर निकालते हैं हमारा कितना आता है। मैंने कहा कि ये हमारे हो गए एच वाले, ये हो गए हमारे टी वाले, और ये हो गए हमारे आई वाले, ठीक है। ये आई वाले, ये टी वाले, और ये एच वाले, ये टोटल है 25, ये टोटल है 26, ये टोटल है 26, ठीक है। इनमें से 3 ये कॉमन हो गए, ठीक है, 3 जो तीनों में है। उसके बाद कह रहा था कि 8 है टी और आई में, टी और आई में 8 है, तो 3 इसमें है, तो इसमें कितने आएंगे 5, ठीक है, तभी तो टोटल 8 होगा टी और आई का, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, एच और आई में 9 है, ठीक है, एच और आई में 9 है, तो 3 इसमें है, तो इसमें कितने होंगे 6, 6, 3, 9 तभी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एच और टी में 11 है, तो 3 इसमें है, तो 8 इसमें होंगे, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 11। समझ में आ रहा ना आप लोगों को, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए जो बचे 25 में से माइनस कर लेंगे इसको हम, तो कितना हो गया 6, 3, 9, 8, 17, 17, और कितना बचा 3 और 5, 8, ठीक है, ये टोटल कितना हो गया 8 हो गया जो इस गोले में आ रहा, ठीक है। 26 है यहाँ पे, यहाँ पर देख लीजिए 5, 3, 8, 8, 16, और 26 में 16 गया कितना आ गया 10, ठीक है। इसमें कितने हैं 10 है जो ओनली टी पढ़ते हैं, ओनली एच पढ़ने वाले 8 हो गए, और ओनली आई पढ़ने वाले 26 लोग हैं, 5, 3, 8, 6, 14, 26 है तो 12, ठीक है। ओनली आई पढ़ने वाले हमारे कितने हो गए 12 हो गए। अब उसने पूछा था कि हमें आपको बताना है कि कितने लोग हैं जो एटलीस्ट वन पढ़ते हैं, मतलब इसका इन सभी का यूनियन, यूनियन का मतलब होता है सबका सम, तो सबको जोड़ लीजिए। ये 8 है, 8, 16, 16, 6, 22, 3, 25, ये टोटल हो गया 25, ठीक है,
प्लस 10 5 ये हो गया कितना 15 प्लस ये तो भी जुड़ गया ये कितना बचा सीधा सीधा 12 बच गया ठीक है। तो इसको जोड़ लीजिए क्या आएगा हमारा 25 12 37 और 15 कितना आ गया 7 5 12 और 3 1 4 ठीक है। टोटल 52 लोग हैं मतलब इस यूनियन में 8 लोग ऐसे भी हैं जो कोई पेपर नहीं पढ़ते ठीक है। 60 लोग थे जिसमें से 52 लोग पेपर पढ़ते हैं 8 लोग ऐसे भी हैं जो कोई पेपर नहीं पढ़ते ठीक है। ये हमारी कंडीशन हो गई पहला हो गया। सेकंड पूछा द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। अब यहीं से आप देख के बता सकते हैं एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों की संख्या क्या है 12 10 22 8 30 कितने हो गए 30। तो पहला पार्ट कब हो गया एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी हो गई 30 ठीक है। कैसे हो गई 12 प्लस 8 प्लस 10 तो ये हमारा कितना हो गया 30 ठीक है। तो बहुत ही इजी था आप इसको फॉर्मूले से भी लगा सकते थे ठीक है। फॉर्मूला लगाते तो जो मैंने बताया था आपको ओनली ए लगाना पड़ता ओनली आई लगाना पड़ता ओनली टी लगाना पड़ता ठीक है। इसका फॉर्मूला लगा के आप निकाल लेते कितने हो गए तो आपको पता चल जाता है। उसके बाद फिर ओनली ए ओनली आई ओनली टी को जोड़ देते तो आपको ये भी पता चल जाता ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए मजे से करते हैं तो कैसे है? समझ के दिमाग लगा के ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फॉर्मूले से करेंगे तो भी होगा बस ये होगा थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और आज के लास्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 60 ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर मिसेलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या लिखा है इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए ठीक है। तो 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए ए को पसंद करने वाले एन ए कितने हैं टोटल 21 है। उसके बाद कह रहा है 26 लाइक प्रोडक्ट बी तो एन ऑफ बी पसंद करने वाले कितने हैं 26 हैं और 29 है जो सी को पसंद करते हैं ठीक है। तो हमें ये तीनों पता चल गया। उसके बाद क्या दिया है इसमें 14 पीपल ए और बी पसंद करते हैं ठीक है। 14 पीपल ए और बी पसंद करते हैं मींस ए इंटरसेक्शन ए और बी दोनों पसंद करते हैं बोथ वाले कॉमन है तो ये इंटरसेक्शन हो गया ठीक है। फिर कह रहा है कि 12 पीपल सी और ए पसंद करते हैं ठीक है। तो मींस ए इंटरसेक्शन सी पसंद करने वाले कितने हो गए 12 हो गए और 14 है जो बी और सी पसंद करते हैं ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी कितने हो गए फिर ये 14 हो गए हमारे पास। फिर कह रहा है बी एंड एट लाइक ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स तीनों को पसंद करने वाले मींस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों को पसंद करने वाले लोग कितने हो गए 8 हो गए ठीक है। अब उसने पूछा है फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली ठीक है। तो सी ओनली का प्रोडक्ट उसने पूछा तो सी ओनली वाला फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं ठीक है। तो ओनली सी का फॉर्मूला होगा उसको भी चलिए फिगर लगा लेते हैं। पहले इसको एक बार फिगर डायग्राम समझ लेते हैं जो कि बहुत ही इजी होगा आपको ठीक है समझना। तो देखिए ये हमारा है एक यूनियन सेट ठीक है। ए हो गए बी हो गया सी हो गया ठीक है। ये हमारा क्या है ए ये क्या है बी ये क्या है सी। अब इसमें देख लीजिए ए में 21 है टोटल कितने हैं 21 सी में टोटल कितने हैं 29 और बी में टोटल कितने हैं 26 ठीक। कह रहा है ए यूनियन बी में 14 है पहले तो जो कॉमन है उसको हम भरते हैं बीच में ठीक है। तो तीनों में कॉमन कौन है 8 है ठीक है इसको भर लिया। फिर कह रहा है कि ए यूनियन बी में 14 मतलब ए बी में 14 है 8 इसमें है तो ओनली ए और बी में कौन होंगे 6 ठीक है। ऐसे ही फिर कह दिया कि ए यूनियन सी में 12 है ए यूनियन सी में 12 है 8 इसमें है तो ओनली ए और सी में कितने हो जाएंगे 4 ठीक है। फिर कह रहा है कि बी यूनियन सी में 14 है तो भी ओनली बी और यूनियन सी में कितने हो जाएंगे बी इंटरसेक्शन सी में कितने हो जाएंगे 6 ठीक है। तो ए हमारा हो गया तीनों ये फिल हो गया। अब हम सारा फिल कर सकते हैं देखिए 6 4 10 8 18 हो गए तो इसमें कितने आएंगे 3 21 हो जाएंगे 6 6 12 8 20 हो गया इसमें कितने आएंगे 6 26 हो गए 6 4 10 8 18 हो गया 18 11 कितने हो गए 29 29 हो गए इसमें आ गए ठीक है। तो ये हमारा हो गया टोटल। अब इसमें यहां से आपको सब कुछ पता चल रहा है ऐसा कुछ भी मतलब जाने जरूरत नहीं। इसमें जो क्वेश्चन पूछ दिए फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली ठीक है। तो सी ओनली पसंद करने वाले 11 है कोई कुछ भी हमसे पूछ देता ठीक है। हाउ मेनी प्रोडक्ट लाइक ओनली ए तो 3 हो जाते ओनली बी पूछता तो 6 हो जाते ठीक है। तो इसमें हमारी कोई मतलब बड़ी बात है बहुत ही आसान है इसको इस तरीके से समझना ठीक है। यही अगर हम फॉर्मूला लगाए होते तो फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता फॉर्मूला क्या होता हमारा ओनली सी का ठीक है। अगर हमें ओनली सी पता करना होता ओनली सी मतलब ये वाला केवल पार्ट पता करना होता तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता जो
एन ऑफ सी है, ठीक है। एन ऑफ सी में से हमें माइनस करना पड़ता है, एन ऑफ सी मीन्स पूरा सी हो गया, इसमें से हमें ये भी माइनस करना है, ये भी माइनस करना है, ये भी माइनस करना है, ठीक है। तो कैसे माइनस करते, एन ऑफ ए यूनियन सी कर लेते, ए इंटरसेक्शन सी करते, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी करते, ठीक है। दो बार हमने इसको माइनस किया, दो बार आठ माइनस हो गया, इसको एक ही बार माइनस करना था, इसलिए एक बार इसको हम प्लस कर देंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो यहां से हमारा निकल आएगा ओनली सी, तो ओनली सी का देखिए एन ऑफ सी, सी हमारा कितना है 29, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितना था हमारा 12, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितना था 14, और प्लस ये हमारा कितना था तीनों कॉमन पार्ट 8, ठीक है। तो यहां से भी आप निकाल सकते थे बिना इतना कुछ भी लिखे पड़े, ठीक है। अगर बस खाली फॉर्मूला लगा तो आप निकाल सकते थे, इसमें कैसे आ जाता 12 14 कितना हो जाता 26 माइनस 3 आ जाता, ये आ जाता 8, ठीक है। 3 प्लस 8 ये कितना आ जाएगा 11, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अच्छे क्वेश्चन थे बट इजिली ये सब हो गए, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन से ये इजिली हो जाते हैं, और आपको केवल बस समझना होता है क्वेश्चन को, मतलब किस तरीके से हमें सॉल्व करना, किस तरीके से हमें अप्रोच करना किसी भी क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगला हम जो भी टॉपिक लेकर आएंगे 11th क्लास की, वो अगला होगा सी के, इसमें रिलेशन और फंक्शन आएंगे हमारे, अगला चैप्टर होगा 11th का, और 12th का भी हम लोग साथ साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया हो, मजा आया हो, तो आप जरूर एक बार वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।